आपका आचूर्य में स्वागत है। आचूर्य में लेकर आए, इसका टाइटल है, टाइटल है पाकिस्तानी फूडी डिलाइट्स एट मोहम्मद अली रोड मुंबई स्ट्रीट फूड। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इस चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये देखें, ये कौन सी मार्केट है भाई? सिंगिंग सीखा था। अरे बढ़िया, कैसे बताऊं मैं हाले दिल बसी। धर्मेंद्र भाई, आप समझ लो आपकी लॉटरी लग गई। ये इतर की दुकानें हैं। अब वो जो पिकअप वाला आया है बंदा, सारी रेड लाइट तोड़ता हुआ आया है। ओ भैया, बस ये कौन सा एरिया भैया? पता नहीं क्या चीज़ है ये, तो खा के देखते हैं क्या चीज़ है। मजेदार है यार। क्या बन रहा है भाई? ओए भैया, ओ भाई, हाईली रिकमेंडेड। ये पूरे मुंबई में मिलते हैं जगह जगह, यही है। तो मोहम्मद अली रोड की सैर हो रही है, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड है यार। ये क्या चीज है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई हुई है, लेकिन मोहब्बत का शरबत इधर है, रस्ते का माल सस्ते में, दुकान का माल महंगे में। अबे भाई, ये लड़ाई वाला शरबत है, लड़ाई वाला। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड, द फेमस, और धनराज भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र, द ग्रेट धर्मेंद्र सर। बहुत कब से टैक्सी चला रहे हैं सर? हो गया सर 3-4 साल। अच्छा, 3 ज्यादा पुराने नहीं है आप? लॉकडाउन से शुरू किया। व्लॉग डांस? हां, 2000 लॉकडाउन था। लॉकडाउन? मैंने कहा व्लॉग डांस कह रहे हैं। यार बढ़िया बंदे हैं यार आप। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? पहले लिफ्ट चलाता था। लिफ्ट? अभी लिफ्ट, वो फिल्म देखी है लिफ्ट मैन? एक बड़ी बढ़िया फिल्म है भैया, मैंने भी देखी। तो किसी बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में या अपार्टमेंट में? प्राइवेट में। तो वो बढ़िया काम नहीं था भाई? इससे थोड़ा कम पगार था, मतलब 1000-2000 उसमें कम था, इसमें 2000-3000 ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इसमें 2000-3000 ज्यादा है। सही है भाई। धर्मेंद्र भैया, ये देखें, ये कौन सी मार्केट है भाई? ये अपना बोरा बाजार है, वीटी के पास। बोरा बाजार है? अच्छा अच्छा, हाँ बोरा बाजार। और ये वो स्टेशन आ गया, बीटीएस स्टेशन। इधर जाएंगे भाई, आपको टूर कराएंगे भाई। काली पीली टैक्सी, ये अपनी, ये इसका अपना ही लेवल है धर्मेंद्र भाई, है ना? भले चाहे जो भी सुविधा दे, लेकिन इमरजेंसी में यही काम आती है, क्योंकि हार्ट अटैक है, इमरजेंसी जाना है, तो काली पीली काम है ना। बस ट्रेन काम देता है, ना ऊबर काम देता है, ना ऊबर काम आता है, ना बस ना ट्रेन, अर्जेंट में यही होता ना, चलो इसको हार्ट अटैक लेके चलो, फटक से आ जाता। सही बात है, कितना तेज से बोल रहे हैं ना। लेकिन धर्मेंद्र भैया, मैं एक जगह खड़ा हुआ था, मैं टैक्सी ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो रुकते नहीं है, जाते नहीं है। अभी हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो बोलो यार, कहाँ? एक तो सुबह होता है, कभी 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 कोई बाहर, जैसे शाम के टाइम में थोड़ा ज्यादा है। स्टेशन आना था मैंने, या मैंने उधर जाना था, मोहम्मद अली रोड। हाँ, नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। कुछ कारण था, ट्रैफिक के कारण नहीं जाए। हाँ, तो ट्रैफिक उधर तो है, मैं क्या करूँ? हाँ, उधर ज्यादा इसलिए रहता है कि जाएंगे, आपको लेके जाएगा 50 रुपया में, 100 रुपया में लेके जाएंगे, आधा घंटा उसमें मेरा खत्म हो जाएगा। तो उसी टाइम में दो भर मारेंगे तो 400 आ जाएगा ना। आप यकीन करें, एक बंदे को मैंने कहा 500 दूंगा। क्या पास करो, नहीं गया, 5000 भी दे दो नहीं जाओ। हाँ देखो, ये हालात होता है मोहम्मद अली का यार। ऐसा करो, गाली थोड़ी है यार ना, लेकिन यही हालात होता है, इसके कारण नहीं जाते। लेकिन 500 तो आपने बहुत ज्यादा दे रहे थे, बहुत ज्यादा। मुंबई की ट्रैफिक देख ले भाई, वो उस दिन रात को जब हम एयरपोर्ट से आए थे, हमें लगा था अभी तो होती नहीं है, वो 12 बजे आया था मैं। 12 बजे की ट्रैफिक नहीं थी? 12 बजे नहीं थी? तो 12 बजे मुझे लगा नहीं है, तो मैंने कहा मुंबई में तो ऐम ही बातें बनी हुई, कोई ट्रैफिक नहीं है। उसके बाद धर्मेंद्र भाजी मिल गए। शाम को 6-8 से 9 के बीच में काफी रहते हैं ट्रैफिक। चलो भाई, ऑफिस टाइम छूटने का टाइम छूटने का। आपका मेरा मोनेटाइज, लेकिन डॉलर नहीं बन रहा है। अरे धर्मेंद्र भाई, डॉलर भी नहीं बन रहा। धर्मेंद्र भाई, आप समझ लो आपकी लॉटरी लग गई। आप नंबर दे, थोड़ा आपसे टिप्स लेता रहूंगा यूट्यूब के बारे में। नंबर दे, लग गई लॉटरी। ये वीडियो जाएगी तो मैं बताता हूँ अपने, तो आपकी चलेंगे, मेरी भी वीडियो चलेगी। नहीं, आपका नाम देंगे ना नीचे भाई। धर्मेंद्र भाई ने कहा है कि सब कह के चले जाते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, चैनल नहीं देखता, डॉलर नहीं बन रहा है भाई। सबने व्यू देने हैं धर्मेंद्र। अच्छा, आप वीडियो बनाते क्या है वो तो बताए ना। देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा चेंज किया लाइन। फिर मैं मेरा सिंगिंग में सिंगिंग कोर्स किया था, सिंगिंग सीखा था, और हारमोनियम जो क्लास होता है ना, सब में डाला। सारी बातें छोड़े, एक जरा ये मोहम्मद अली रोड जाते हुए एक गाना हो जाए। गम में है हम, गम में है जिंदगी, गम में है हम, वाह, गम में है जिंदगी, क्या बात है। तन्हा है हम,
तन्हा है जिंदगी, कैसे बताओ मैं हाले दिल बेवसी, हाले दिल बेवसी, गम में है हम ये well done, तो मैं खुद लिखा हूँ गाना, ये खुद है बनाया हूँ कंपोज किया हूँ। मैं पूछने लगा था किस उदय नारायण जी का है, किसका है ये गाना? देखा और मैंने भक्ति पे बनाया हूँ गाना। अरे ये मुझे लगता है आपने अपने दिल का कोई गाना लिखा है। हाँ ये दिल का ही मतलब। अरे भैया ये देखे बीच में यहाँ पे बीटी स्टेशन के क्या कलर बहुत अच्छा है। ये देखे जी बीटी स्टेशन और बीटी की बीटी है बीच में धर्मेंद्र भाई का गाना बीटी और बीटी क्या होगा। देखिए मैं खुद गाता हूँ, सुनिए पता नहीं खुद मैंने गाना कंपोज किया लिखा हूँ बनाया कभी। अरे भैया म्यूजिक प्रोडक्शन होता है ना, म्यूजिक प्रोडक्शन। अरे आप कंप्यूटर लैपटॉप सब जो बनाते हैं म्यूजिक बनाता है ना, ये खुद मैं बनाया हूँ गाना। वाह भाई ये जा रहे हैं धर्मेंद्र भाई छोड़े हैं मोहम्मद अली रोड जा रहे हैं हम, बहुत ही जबरदस्त देख सकते हैं आप। ये कौन सा बिल्डिंग है भैया? कौन सा ये वाला? ये अपना क्राफ्ट मार्केट का बाजार आ गया। क्राफ्ट मार्केट, क्राफ्ट मार्केट मतलब। अच्छा यहाँ तो ट्रैफिक नहीं है इतना है? अभी आगे देखिए मिलेंगे। इधर से शुरू हो जाता है ट्रैफिक। क्या भैया जबरदस्त भाई। ये कौन सा है? काफी लोग थे। ये अपना क्राफ्ट मार्केट आ गया क्राफ्ट लास्ट। अब लेफ्ट मारेंगे तो मोहम्मद अली जाएगा आगे। अच्छा 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 ये अली बहुत ही बिजी। हाँ असल बसल मुंबई की क्या बात। लेकिन ट्रैफिक जैम नहीं है भैया ना? हाँ ट्रैफिक थोड़ा जाम कर लोगे ना, लेकिन तो इतने जाम हो जाते ना। आप तो रनिंग भी है। ये देखें भाई मुंबई की काली पीली टैक्सियां आइकॉनिक आइकॉनिक टैक्सी है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कैरी डब्बा टाइप होती है ना वो जो साइड पे। कौन सी इतर की दुकानें हैं? इतर है सारे। वाह भाई वाह वाह इतनी सारी इतर की दुकानें और ट्रैफिक में हम हैं। अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक जैम क्यों है समझ नहीं आ रही? सिग्नल खुला हुआ है? सिग्नल खुला है, सिग्नल खुला हुआ है तो फिर वो क्यों आ रहा है बंदा? ये मसला है उल्टा सुल्टा सब आ रहा है। धर्मेंद्र भाई ट्रैफिक का मसला नहीं है, मसला ये है सिग्नल बंद है वो वहां से यूं आ रहे हैं। ये बात है तो सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है। अब वो जो पिकअप वाला आया है बंदा, ये वाला बंदा, अब ये सारी रेड लाइट तोड़ता हुआ आया है वो। देखो वो भाई साहब भी आ रहे हैं, आते ही हैं। हां साइकिल वाले तो भाई साहब क्योंकि मैंने देखा है मुंबई की रोड्स वगैरह अच्छी है सारी, कोई रीजन नहीं है कि इतना ट्रैफिक क्यों होता है। अबे भैया बस आ रही है। ओ भैया बस ये देखे भाई मुंबई के अपार्टमेंट। ये कौन सा एरिया भैया? ये आ गया मस्जिद बनकर, अभी मोहम्मद अली रोड आ गया इसके बाद। अच्छा अच्छा अपार्टमेंट में रहते हैं। मोहम्मद अली रोड मुंबई सपनों की माया नगरी। रविंदर भाई आने वाला है तो ये सपनों की माया नगरी का क्या सीन है मनोज भाई? मतलब कोई शाहरुख खान बन जाता है? नहीं हर को अपना किस्मत अजमाते हैं, किस्मत अजमाते हैं। लग गया किसी बन भी जाते, बहुत से बने भी हैं यार। हम भी चले जाएं को स्टूडियो है। करण जौहर का पता है स्टूडियो? नहीं धर्मा प्रोडक्शन नहीं पता, धर्मा प्रोडक्शन। अब यशराज का पता है? नहीं ये वाली कह रही है क्या? अच्छा टैक्सी यार ये तो आपने क्या कर दिया। शाहरुख खान ने सारी फिल्में कितनी फिल्में की है? शाहरुख खान का घर तो पता है? हां ये पता है। चलो शुक्र है। ये देखे जी पुरानी मार्केट जबरदस्त वो टावर बना हुआ है। तो चलें आपको अब मोहम्मद अली रोड पहुंच के बताते हैं कि क्या सीन है। थैंक यू। ये है भैया हमारे, ये है भाई सुलेमान मिठाई वाले। इनके पास ये लड्डू पड़े हैं बेसन के मोतीचूर के, बहुत तरह की मिठाई है भाई, बहुत तरह की मिठाई आप देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें से ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या फेमस है इनकी चीज़ें। कोकोनट मक्रोम पता नहीं क्या चीज़ है ये, इनका केक है। वाह वाह जबरदस्त, भाई साहब खड़े हुए बहुत आला। तो भाई गर्मी बहुत है आप देख सकते हैं, पसीने आ रहे हैं लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोकोनट मक्रोम है कोई चीज़, 620 रुपए किलो, मैंने तो कभी नहीं खाई पहले, तो खा के देखते हैं क्या चीज़ है। अबे भाई मज़ेदार है यार। वो जो कोकोनट के बिस्किट खाते हैं तो बहुत क्रिस्पी से होते हैं, उनको नरम कर लें। वाह ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मीठा भी नहीं है और आप देख सकते हैं अंदर से एक फ्लफी सा जिस तरह केक होता है उस तरह का है, लेकिन प्योर कोकोनट ही है। ये केक सा भी है इसके अंदर है? ये कोकोनट ही है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये मुंबई पे मिलती है आपकी दुकान पे? ये मुंबई में मिलती है सबकी दुकान पे? अच्छा हमने पहली दफ़ा खाई है भाई।
क्वालिटी अलग है, वहाँ की अलग क्वालिटी। बोलो ना। सही है सही है। क्या नाम है भैया आपका? खुर्शीद खान। खुर्शीद भाई क्या बात है, ये दो दुकानें हैं सुलेमान की? एक ये एक उधर है अपना, वो अपना नहीं है, इनके भाई लोग का है। अच्छा भाई का है, हाँ फैमिली का ही है। हाँ यही सही है, सब अगर सबसे पुराना यही है। और क्या चीज़ आपकी फेमस है जो खा सकते हैं? और यहाँ अपना कौन है, हलवा है उधर का, बॉम्बे हलवा तब लगा है। ये थोड़ी थोड़ी मिलती है, पेड़े भी मिलते हैं? हाँ पेड़ा भी, पेड़ा खाते हैं इनका। हाँ इतना 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 सा देना भाई। क्या करना है, ये स्पेशल वाला प्लाटून है, ये स्पेशल प्लाटून। वाह 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 वाह, ऐसा ड्राई फ्रूट टाइप लग रहा है। बर्फी, अच्छा अच्छा ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। ये खा के देखते हैं क्या क्या है इसमें, हलवा, ड्राई फ्रूट और वो वाला कौन सा है, देसी घी, बादाम, पिस्ता, जाफरान, चिलगोजे का हलवा, दूसरा ये अंजीर का। हाँ चिलगोजा तो भाई हज़ारों रुपए किलो है, हज़ारों रुपए है। सही है, खा के जाते हैं आप। अच्छा भाई उन्होंने हमने कहा भी टेस्ट करना चाहते हैं आपके मशहूर हलवे चलगोजे का हलवा, चलगोजा यार 7,000 रुपए किलो है उसका हलवा भाई, पहली दफा खाने लगे, बड़ा फेमस है। अंजीर का हलवा क्या बात है, ये अफला थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, खा के बताते हैं आपको। यहाँ पे जब लास्ट टाइम मैंने पता किया था तब 10,000 रुपए किलो, चलगोजे का हलवा है। हाँ क्या बात है भाई, अमीर लोगों के लिए 7,000 कितने रुपए किलो है? 1400 रुपए किलो, 1400 रुपए किलो। चलो अच्छा उसमें कुछ डालते हैं, 7,000 रुपए किलो तो चलो अंजीर का हलवा, अंजीर का हलवा पता लग रहा है उसको मैश किया हुआ और हवा बनाया हुआ, बहुत बहुत मीठा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देसी घी का भी टेस्ट आ रहा है आपको, और ये अफलातून हलवा, अफलातून हलवा खोए का लग रहा है। इसमें क्या है अफलातून में? अफलातून काजू वगैरह बादाम मिक्स करके हैं, हाँ वो लग रहा है। बहुत आला यार, मज़ा आ गया वाकई भाई, नाम ही बड़ा नहीं है, चीज़ें भी बड़ी हैं भाई, तरह तरह के पेड़े हैं इनके पास, आप देख सकते हैं कितनी तरह की कलरफुल मिठाई, ऐसी चीज़ें जो आप ज़्यादा नहीं खा सकते, तो हम मशहूर क्या बात है। तो भी शायद ही मैंने जिंदगी में कभी इतनी वैरायटी स्वीट्स की टेस्ट की हो एक साथ में एक ही शॉप से, और कॉन्टिन्यूसली जो शॉप वाले थे वो मुझे टेस्ट करवाई जा रहे थे। भाई ये तरह तरह के पेड़े, मलाई पेड़े, मैंगो पेड़े, पता नहीं ब्लू पेड़े, यार क्या क्या चीजें हैं, नाम उन्हें बताए हैं वो साथ साथ भूल जाते हैं, लेकिन भाई क्या क्या चीज़ें हैं भाई वाकई यहाँ पे। हालांकि मिठाइयाँ तो हमें लगता था एक जैसी होती हैं हर जगह पे, लेकिन भी लगता था इतनी डिफरेंट तरह की नज़र आ रही हैं, क्या बात है। तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, पहले ये ब्लू वाला, एक तो कलर ही इसका बड़ा डिफरेंट सा है, तो देखते हैं ब्लू वाले में क्या है, फ्लेवर होगा ना पेड़े में, बड़ा ही लाइट सा ये ब्लू वाला जो है, क्या बात है, बहुत ही लाइट। और ये भाई इनका मलाई पेड़ा है ये वाला, ओए होए होए, चम्मच 3-4 रखे हुए तो इसको एक साइड पे, ये वाला मलाई पेड़ा जो कह रहे हैं बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार यही है, वो रस मलाई का जो होता है ना गोला, बिल्कुल वैसा लग रहा है, क्या बात है। इसका नाम पूछते हैं उनसे, भैया ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच बर्फी है। ओह अच्छा अच्छा, तो ये जो है स्ट्रॉबेरी वाला है, ये ब्लूबेरी है और वो मैंगो, और ये बटर स्कॉच की बर्फी है, क्या बात है। स्ट्रॉबेरी वाला खा के देखते हैं भाई, बटर स्कॉच, बट कभी कैंडी खाई भी नहीं है, सुना नहीं था ऐसी मिठाई भी मिलेगी, कभी सोचा नहीं था पेड़े बर्फियां भी स्ट्रॉबेरी भी होती है, क्या बात है, हर चीज परफेक्ट लग रही है। अच्छा भाई अब बटर स्कॉच लास्ट, ये देखे भाई बीच में, ये मोहम्मद अली रोड की शान है कि बीच में से फाइनली मैं कह सकता हूँ फर्स्ट एक्सपीरियंस था मोहम्मद चौक में एंटर होते ही
तबाहियां फिर गई अभी जायके की। तो मिठाई हम लोगों ने पहली दफा देखी है ना मदली रोड पे। 2000% यहाँ विजिट कर सकते। ये यार देख सकते हैं ये नान है एक तरह के भाई, क्या तंदूर में बने भट्टी में, ये देखा है। भाई ये नान पता नहीं किस तरह के नान है, पहली दफा देखे तो बन से लग रहे हैं, बन सा लग रहा है लेकिन पाव वाला नान है पाव वाली वो उसके पाव भाजी वगैरह के साथ। मीठा नहीं है बिल्कुल, फीका बन की तरह। भैया किस चीज से खाते हैं, चाय वगैरह से? अच्छा अच्छा, ये मैंने देखे हैं यार कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में देखे हैं, वहाँ इस तरह का आपको रोटी वगैरह देते हैं। बेसिकली ये बन की तरह है जो हम चाय के साथ खाते हैं, मक्खन लगा के बटर मस्का जो होता है। ये भी यही चीज़ है, सारी एक ही चीज़ है, तो ये डिज़ाइन अलग अलग है, बेसिकली चीज़ एक ही है ये। थैंक यू भाई। और ये और तरह के डिफरेंट नान, बेसिकली नान कह रहे हैं ये बन सारे, तिलों वाले, कलौंजी वाले। और लोग काफी इंटरेस्टेड है भाई इनमें, भट्टियों में बन रहे हैं वो देखे, अंदर बन रहे हैं। ये दास कुलचे की तरह अभी तक खाया नहीं हमने इसलिए मैं बता नहीं सकती। भट्टियों में बन रहे हैं ना, क्या हुआ क्या बन रहा है भाई? टोन कोई अंकल खड़े थे उनकी टोन। अच्छा साइड से ये तो मुझे वो लग रहे हैं रस्ते। हाँ हिंदुस्तान रेस्टोरेंट तुम्हें नहीं लग रहे अंदर से? मुझे भी थोड़े थोड़े अंदर से टाइप लग रहे हैं लेकिन इसमें तिल नहीं लगे हुए। देना कैसे बना रहे हैं? अच्छा ये पत्ते पे रख के देते हैं ऐसे हैं? अच्छा अच्छा नहीं अंदर से नहीं, बेसिकली 30 के 12 हैं लेकिन हमने कहा भी दो दे दो, हमने चेक करना है। तो ये मटन के इस तरह होते हैं, पत्ते पे रख के देते हैं, बड़ा इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है, तो खा के देखते हैं। वो कीमा था ये, हम तो मीठा समझ लेते हैं। गरम है अंदर से, मैंने कभी ऐसे छोटे छोटे कबाब देखे नहीं है, तो खा के देखते हैं कैसे। नींबू छिड़क के मसाला छिड़क के लिखा हुआ चिकन, पीछे कुछ लिखा चिकन। ओए भाई यार, ओ भाई ये क्या हो गया यार, बड़ी क्रिस्पी सी कोटिंग है इसकी। भैया खाते किससे हैं, किससे खाते हैं? प्लस है, बड़े मजेदार है यार। हैं लंबा पाव रहता है, लंबा पाव ये क्या होता? नाम ऐसे डिफरेंट है ना, हमने कभी सुने ही नहीं जिंदगी में। बड़े मजे के हैं, मटन के हैं ये, हाईली रिकमेंडेड। ये पूरे मुंबई में मिलते हैं जगह जगह, यहीं है सिर्फ, यहीं है। कुछ किस्मत है मोहम्मद अली रोड आए हैं और ये खा रहे हैं। कभी भी आए तो यार ये लाजमी ट्राई करें, बड़ी लंबा पाव क्या ये भी बता दें। थैंक यू भैया। ये सज्जी सज्जी वाली साइड पे आ गई। कबाब और टिक्के, सॉरी हरे भरे टिक्के। ये क्या है, कितने का है? 140 का। 6 खाली है भाई, इस तरह की भाई आवाज लगा रहे हैं, खाली है खाली है, खाली है। अभी आप कौन है बोल यार, ये भाई आवाज लगाए थे खाली है खाली है, अंदर आ जाओ खाली है। अब मैं कह रहा हूँ तो वाज ही नहीं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अखिलेश है। अखिलेश भाई बोलो ना, क्या खाना है? नहीं खा लिया मैंने, खा लिया। आपने मोहब्बत से बुलाया, थैंक यू, बहुत मोहब्बत से बुलाया, थैंक यू, ज़बरदस्त। भाई कैमरा कैमरी जा रही है, जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड के बीचों बीच। भाई ये तो रात को 12 बजे भी ऐसा लग रहा है, रात के 12 बजे भी ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो दिन के 12 बजे हुए। तो फिर रहे हैं साथ साथ, थोड़ा बहुत कुछ चख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। और यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं है कोई एक आधी चीज़। ये शॉपिंग की दुकानें हैं,
ये मीनारा स्वीट्स, इसके वो हैं जलेबियाँ, हाँ इनकी बड़ी फेमस है। वापसी पे देखते हैं भाई, मीठा बहुत खा लिया है। और ये कपड़ों की दुकान है, ये मटन वाले ही हैं। देख सकते हैं भाई, बिरयानी वाले, चंकीज, अलब्रोस्ट वाले, हर जगह रश लगा हुआ है। तो मोहम्मद अली रोड की सैर हो रही है। थोड़ा बहुत कुछ हमने खाया है, शवारमे वाले भी हैं, बर्गर शवारमे, लेकिन जहाँ पे भी है लोग खा रहे हैं, रश लगा हुआ है। ये बड़ा कल्चर है यार यहाँ पे, ये फ्रूट काट के रखे होते हैं, बड़ा कल्चर है यहाँ। यार एक जगह नारियल पानी देखा था, इस गर्मी में नारियल पानी होना चाहिए, पूछते हैं कहाँ पे भैया वो नारियल। क्या नारियल पानी पता कहाँ मिलेगा? नहीं मिलने वाला। एक जगह देखा था, वो जगह गायब हो गई। आगे चलते हैं और सैर करते हैं, इसी पानी से गुजारा करते हैं। आ जाए यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड है यार, चाइनीज भेल, गोभी मंचूरियन है। चाइनीज भेल, चाइनीज भेल क्या है, कहाँ है? अच्छा 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 अच्छा, ये गोभी मंचूरियन है भाई, ये खा के देखते हैं। ये हमने बेंगलुरु में खाया था, क्या है ये? तो दोस्तों, मुंबई की बिरयानी तो हम फिर भी ट्राई करेंगे और हमने खाई भी है, लेकिन मुंबई का पुलाव हमने अभी तक ट्राई नहीं किया। और यहाँ पे मुंबई पुलाव की बहुत फेमस कुछ शॉप्स थी, तो चलें आए पुलाव ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। यार कितने का है छोटा वो? अच्छा नहीं, छोटा वाला चाहिए तो आधा आधा मिल जाएगा, मतलब एक में आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा ये डाल देना। तो भाई ये हम चिकन पुलाव ले रहे हैं और इसको थोड़ा साइड पे करके डालना, हमें ऐसे एक साइड पे कर दें, आधा चिकन पुलाव आधा मटन पुलाव खाते हैं फिर मोहम्मद अली रोड का। अच्छा यार ये हमने भाई यहाँ का एक मटन पुलाव, चलो मोहम्मद अली रोड आए हैं तो थोड़ा चकले, मटन और चिकन मिक्स कराया है, तो इस तरफ मटन है उस तरफ चिकन है, तो मटन की बोटी कहाँ है भाई? मटन की बोटी कहाँ है? डाली भी है ये, तो इस तरह ये मटन डाल के देते हैं, बहुत ही ज़्यादा गला हुआ है तो खा के देखते हैं ये। हाय 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 हाय, तो मोहम्मद अली रोड का मटन पुलाव एक दफ़ा हो ही जाए यार, कभी कह सकते हैं हम भी यहाँ के पुलाव खा के गए हैं, वैसे नहीं गए। वो यखनी पुलाव है, यखनी लाहौर पंजाब साइड पे बहुत मशहूर है पुलाव की डिश। मैं एग्जैक्ट रिव्यू कर सकता हूँ भाई, क्योंकि हम बचपन से पुलाव खा रहे हैं और बड़े बड़े मज़े का पुलाव खा रहे हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ पुलाव बहुत अच्छा बना हुआ है, मटन के हवाले से बहुत अच्छा बना हुआ है। देखिए चावल जो है वो एक जैसे ही है चिकन के और मटन के, उसमें गोश्त का फर्क है, तो चिकन वाला भी जो मैंने खाया है वो सेम जायका आ रहा है। फर्क जो है वो तो डेफिनेटली ये जब आ सकते हैं ट्राई करते हैं, बहुत सस्ता है, 60 रुपीज का, 50 का भी या 60 का भी आपको 1% की सर्विंग मिल जाएगी। थैंक यू भाई। भाई ये मेन मोहम्मद अली रोड पे ऐसे अपार्टमेंट भी बने हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ एक आपका खाने पीने का और शॉपिंग का हब है, बल्कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है। ये देखो वो देखो। रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, जो मर्जी हो जाए, यहाँ पे माहौल पूरा ही रहता है। ये देखो कितना स्ट्रीट फूड है, ये क्या चीज़ है भाई? अरे वाह, ये क्या भैया? हलवा पराठा, ये बड़ा बड़ा पराठा है, तो ये पूरा देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा भी देते हैं? अच्छा अच्छा, इस तरह के कबाब यहाँ बहुत मशहूर हैं। वो देखें बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई हुई है, लेकिन भाई जी काम ज़रूरी है, कॉल बाद में आ जाएगी। वाह, हमारे वहाँ कतलम्मा कहते हैं,
जो मैदे का इतना बड़ा, ये इस तरह बनती है, ये क्या बात है, और इस तरह होती है, और इस तरह हलवे के साथ। कैलोरीज की अगर टेंशन नहीं है आपको तो ये कर सकते हैं। वाह भैया, जलेबी वाला यहाँ पे बहुत फेमस है। नहीं, ये देखो क्या कह सकते हो, 1984 से वाह, और काफ़ी लोग यहाँ पे गुलाब जामुन जलेबियाँ खा रहे हैं। तो इनकी ये काली जलेबी बेसिकली फेमस है, तो ट्राई करते हैं काली जलेबी में क्या फ़र्क है। तो भाई टेस्ट करने के लिए दिया भाई ने मावा जलेबी, ये काली जलेबी है, पहली दफ़ा खाने लगे हैं। खोए की जलेबी है, खोए की जलेबी थोड़ी खाई जाती है, लेकिन बहुत ही अलग सी है ये, वो नहीं है नॉर्मली जो ये पीली वाली होती है। ये भी नॉर्मल जलेबी है, ये मैदे की है, तो ये मैदे वाली जो नॉर्मल होती है, ये सही है वैसे। शौकिया तौर पे अगर किसी के लिए लेके जानी है तो ये मावा जलेबी आप लेके जा सकते हैं। कितने रुपये किलो है? 360। और ये 210। यहाँ डबल प्राइस किलो है ना, अच्छी है, पहली दफ़ा खाई। मोहब्बत का शरबत इधर है, रस्ते का माल सस्ते में, दुकान का माल महंगे में। अरे वाह, रस्ते का माल सस्ते में, दुकान का माल महंगे में। अरे वाह, और बिछड़ा हुआ प्यार मिलेगा, माल भारी है, बहुत सरकारी है। चलो चलो, ये 70 रुपए किसने दिया आपने भैया? अभी ये आप किसने 80 रुपए लाया? चलो जमजम पी लिया था, पी लिया ये। चलो भाई कोई बात नहीं, आपका 20 रुपीज हुआ मेरा भाई। लेकिन मोहब्बत का शरबत है, ये मोहब्बत का शरबत है, ये टूटे हुए दिल को जोड़ता है, बिछड़ा हुआ प्यार मिलेगा। आपका बिछड़ा हुआ प्यार है तो वो भी मिल जाएगा। चलो और जिसको मिल गया प्यार उसके लिए क्या? अरे मिल गया तो दूसरा, घर वाली एक बाहर वाली है। अबे भाई ये लड़ाई वाला शरबत है, लड़ाई वाला, घर में लड़ाई। हम जो भी करते हैं मस्ती से करते हैं भाई, मस्ती में धंधा करो। मुंह गिरा के लड़ाई हो जाएगी ना? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं होगी इसमें, प्यार होगा, प्यार, लड़ाई नहीं होगी। सही है, इसमें प्यार बढ़ता है। ये लो, चलो भाई क्या पिएंगे? आपको हाफ चाहिए? चलिए ठीक है भाई, आ जाओ, बोलो प्यार इश्क और मोहब्बत सब मिलेगा, 20 रुपए गिलास मेरे भाई। ये लो आ जाओ, बोलो कितने का भाई? ठीक है शवारमा, हाँ 80 रुपए का, सही है। ये फ्राइड चिकन के साथ भी है, ग्रिल चिकन के साथ भी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह शवारमा। और भाई ये मेरे पीछे बहुत ही बड़ी एक मस्जिद है यहाँ पे, बड़ी फेमस है इस रोड पे, बिल्कुल आप जब एंटर होते हैं मोहम्मद अली रोड पे तो ये मस्जिद आती है। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है यहाँ पे, पहली दफा देख रहे हैं ना। अच्छा भाई ये था छोटा सा ट्रिप यार हमारा मोहम्मद अली रोड का भाई, लेकिन जो हसल बसल यहाँ देखी है मैंने शायद ही इंडिया में अब तक कहीं देखी हो। दिल्ली में एक दो जगह पुराना जामिया वाला एरिया था, लेकिन भाई इसका अपना ही लेवल है, जो ट्रैफिक भी बहुत है, लोग भी बहुत है, शोर भी बहुत है, जो कि काफी इंजॉय करता है बंदा। तो आई होप आपने वीडियो इंजॉय की होगी, मुंबई की और बहुत सारी वीडियो आने वाली है, और इसी तरह प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें, मोशी भाई का ख्याल रखते रहें, अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें भाई। साइनिंग ऑफ। मुंबई के लोगों का जुनून जो है ना वो तो हमने उसी दिन देख लिया था जिस दिन जो है चैंपियंस जो है वो मुंबई की सड़कों पर आए थे, और मुंबई में आपको इतने ज़्यादा लोग जो है वो देखने को जो है मिले थे। लेकिन हाँ भाई मार्केटों की बात करना तो मेरे ख्याल मार्केटें अच्छी ही रश से लगती हैं। मुझे लगता है कि ये और जो मौसम ने अभी जिक्र किया मतलब वर्ल्ड कप का, हाँ, और तो मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट साइड्स नजर आती हैं मुंबई की। और मोहम्मद अली रोड की बात करें तो पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, बट यहाँ पर मैं सुलेमान स्वीट्स की बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सुलेमान स्वीट्स पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हर जगह ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो सुलेमान स्वीट्स है उनकी भी बहुत वैरायटी होती है, हाँ। लेकिन ऐसी वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी, और सच में लाइक इतनी मिठाई में, और स्पेशली अगर वो चिलगोजे वाला जो हलवा था मैंने नहीं भाई सुना यहाँ पर, मुझे लगता है शायद कोई हिम्मत भी ना करता हो। लेकिन ये कि
आपको ना डिफरेंट आइटम्स जो नजर आती है ना, और बहुत कलरफुल सी और बहुत कलरफुल डिजाइन में, बिल्कुल इतनी वैरायटी ना मैंने इंडिया की वीडियो में ही देखी। भाई देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना, जो आपने बात की है चिंगोजे का हलवा, तो चिंगोजा जो है, चिलगोजा जो है, जो भी है, वो यहाँ पे चिंगोजा चिंगोजा क्यों कह रहा है, वो यहाँ पे 18,000 रुपए किलो है, जो तुमने लास्ट टाइम पे बताया था, अभी इससे भी महंगा हो सकता है, अब थोड़ा और महंगा जो है वो हो गया हो। तो अगर 18,000 रुपए किलो है, तो उसकी अगर वो बर्फी बनाए, सॉरी मिठाई बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, तो वो तो फिर मेरा ख्याल है 25-26,000 रुपया आराम सुकून से चला जाएगा। नहीं, महंगाई एक तरफ है, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारे फूड में ना, यहाँ पर आपको वैरायटी नहीं नजर आती, लेकिन इंडिया में आप काफी ज्यादा ऑप्शंस देखते हो। लोग अभी जैसे हम लोगों ने वो बीच में देखा चाइनीज जो था, चाइनीज भेल, आई मीन मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकती चाइनीज भेल आपको कुछ इस तरह से मिलता हो। तो पॉइंट इज कि आपको अगर बहुत महंगी चीजें भी देखने को मिलती हैं, तो आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में भी चीजें देखने को मिलती हैं। और मोहम्मद अली रोड की अगर हम लोग बात करें, तो आपको वहां पर काफी ज्यादा नॉन वेज चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, कि लाइक फूड आइटम्स के लिहाज से टिक्का हो गया, या फिर आप यू नो जैसे बिरयानी पुलाव, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात बोलूंगी कि जैसे शरबत वाले का ठेला भी हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट्स भी देखते हैं, तो हर तरह की आप कह लो कि लोगों को ना वहां पर लोगों के लिए ऑप्शन है। और जहां तक भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करें, तो भाई 12 बजे का जिक्र करते कि रात के 12 बजे में, और देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रात के 12 बजे में इतना ज्यादा वहां पर आपको लोगों का एक रश देखने को मिल रहा था। तो डेफिनेटली मैं ये बात बोलूंगी, बाजारों की जो रौनक है वो लोगों के साथ ही अच्छी लगती है, और यू नो जहां पर आपको अच्छे पकवान भी मिलते हो ना, तो आपका ज्यादा दिल करता है वहां पर। मेरा ख्याल बाजारों में आपको जो ना रात के टाइम, जैसे थोड़ा सा यू नो 8 से ऊपर या 9 से ऊपर टाइम होता है, तो उस टाइम घूमने का जो है ना वो ज्यादा जो है मजा आता है, क्योंकि मोस्टली उस टाइम के बाद ना शॉपिंग वगैरह करने लोग कम ही जाते हैं, ज्यादातर जो है ना खाने पीने या वैसे दोस्तों से शुगर मेला लगाने जो है ना, इस तरह लोग जो है वो जाते हैं। अच्छा वैसे रस्ते में चल रहे थे, काफी मीठी कह रहे, काफी अच्छी अच्छी कन्वर्सेशन जो है ना बीच में आ गए, जैसे कैचअप वाली जो बात की जा रही थी, तो अच्छा लगता है यार आप लोग जब गुजरते हैं, लोग जो है अपनी एक अलग मस्ती में जो है वो घूमे, बजाय इसकी टेंशन परेशानियां कि यार आज जो है इतना कमा लिया, कल पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल ये चीजें यार अच्छी रहती हैं यार। मुझे ना इंडिया के लोगों की एक बात बहुत पसंद आती है, एक तो मतलब जो वहां पे एक लाइफस्टाइल है ना लोगों का, कि यानी अगर हम जैसे मुंबई की बात करें, तो मुंबई का तो मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से बोला जाता है कि वहाँ बहुत सिक्योर है, आप रात को किसी भी टाइम पर निकल सकते हो, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर ये है कि आपको ना बाहर जाना है ना, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही अच्छा बनकर जाना है, या आपको बहुत ही कुछ नीट लुक में जाना है, आप नॉर्मल जैसे घर में बैठे हो वैसे ही उठ के चले जाओ। तो मुझे ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है इंडिया का, कि आप जब आपका दिल करे, जिस टाइम आपका दिल करे, आपका मूड बने, आप घर से बाहर जाएं और जो मर्जी खाकर आएं। सो मुझे लगता है कि आपको ना इसमें बड़ा एक आपका कंफर्ट रहता है इस चीज में। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूंगी कि काफी मजा आया, एंड आई होप आगे हमें और मजीद डिफरेंट साइड्स जो है वो मुंबई की देखने को मिले। आप जरूर बताइएगा भाई, आप में से कौन कौन मोहम्मद अली रोड गया हुआ है और खाना खाया हुआ है, और कैसा खाना आपको, और जो नहीं गया वो भी तो क्यों नहीं गया, ओके बता दें। और इसी के साथ मिलता हूं, लाइक करें, वीडियो सेंड करें, बाय।